हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम जानते हैं कि IGIMS में BSc नर्सिंग एंड GNM का नीट स्कोर के थ्रू एडमिशन हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से कोर्सेज हैं जो कि नीट स्कोर के थ्रू ही मिल रहे हैं। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि नीट में आए मार्क्स के थ्रू MBBS या BDS के अलावा अदर जो कोर्सेज हैं जो कि नीट स्कोर के थ्रू ही मिल रहे हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन कौन से कोर्स हैं, नेम ऑफ कोर्सेज, ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, नंबर ऑफ सीट्स, ये सब बताने वाली हूँ। इवन कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना सीट है हर कोर्स का, ये सब भी आज मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब हम नीट का एग्ज़ाम दिए उसके बाद जो हमारा के बेसिस पे जब हमारा काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग जो हमारा रैंक बेसिस पे होगा, नर्सिंग या GNM का कोर्स नीट स्कोर के थ्रू ही मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से कोर्स हैं जो कि नीट स्कोर के थ्रू ही मिल रहा है, जैसे कि फिजियोथेरेपी पहले क्या था, आज से ये 2019 में ये स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त इसका अलग एग्जाम होता था, लेकिन अभी क्या है, अभी सारा नीट स्कोर के थ्रू ही मिलेगा। तो आज मैं वो सारा कोर्स के बारे में ही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट है डिग्री कोर्स के बारे में। पहले हम देखेंगे कौन कौन सा डिग्री कोर्स है और कितने ईयर का है, नंबर ऑफ सीट कितना है, हर कैटेगरी वाइज कितना सीट है, ये देखेंगे। और इसके अलावा फिर मैं डिप्लोमा कोर्स भी देखूंगी क्या क्या है उसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट कोर्स है डिग्री कोर्स में BSc नर्सिंग, जो कि अभी IGIMS में ओनली फॉर फीमेल, मतलब सिर्फ फीमेल का है, मेल का अभी नहीं है। और ये जो कोर्स है 4 ईयर का है और नंबर ऑफ सीट इसमें कितने हैं, 50 सीट है, जिसमें कि अर्बन का 14 है, URF का 7, EWS 4, EWSF 1, EBC 6, EBCF 3, BC 4, BCF 3, SC 5, SCF 3, ये सारा कैटेगरी वाइज है। नेक्स्ट हमारा जो कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसके बारे में अभी हम बताएं कि फिजियोथेरेपी पहले इसका अलग एग्जाम होता था, लेकिन अभी ये भी नीट के थ्रू ही लिया जाता है। तो इसका ये 4.5 ईयर का कोर्स है, जिसमें 4 ईयर का टोटल आपका कोर्स होता है, फिर आपका 1 ईयर या फिर 6 मंथ का इंटर्नशिप जैसा कुछ होता है। इसमें टोटल सीट कितना है, 10 सीट है, UR में 3, URF 1, EWS F1, BC1, BCF1, EBCF1, SCF1, SC1, ये सारे कैटेगरी वाइज है, यानी टोटल सीट इसमें 10 है। नेक्स्ट हमारा जो कोर्स है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, 1 ईयर इंटर्नशिप आफ्टर पासिंग फाइनल एग्जाम, ठीक है, मतलब बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री 4 ईयर का कोर्स है, इसके बाद फिर 1 ईयर का और इंटर्नशिप होगा। तो इसमें टोटल सीट है 10, जिसमें UR का 2 है, URF 2 है, EWS 1 है, BC1 है, BCF 1 है, EBC 2, SC 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोर्स है BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं BSc MLT, ये भी एक डिग्री कोर्स है फ्रेंड्स, ये 3 ईयर का कोर्स होता है और इसमें टोटल जो सीट है IGIMS में 12 है, जिसमें अंडर कैटेगरी देख लें तो UR 3, URF 2, EWS 1, BC 1, BCF 1, EBC 1, EBCF 1, SC 1 एंड SCF में 1 है। नेक्स्ट हम देख लें कोर्स, तो BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसमें भी 1 ईयर इंटर्नशिप है आफ्टर पासिंग फाइनल एग्जाम, तो ये भी 4 साल का कोर्स है और इसमें टोटल सीट 6 हैं और अंडर कैटेगरी देख लें तो UR2, EWSF1, EBCF में 1, SC में 1, SCF में 1, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स हम देख लें BSc न्यूरो टेक्नोलॉजी BSc NT, इसमें भी 1 ईयर इंटर्नशिप है आफ्टर पासिंग फाइनल एग्जाम और ये भी 4 ईयर का कोर्स है और टोटल नंबर ऑफ सीट देख लें तो 10 है, इसमें अंडर कैटेगरी देख लें तो UR में 1, URF में 2, EWS में 1, BC 1, BCF में 1, EBC में 2, SC 1 एंड ST में 1। नेक्स्ट हम कोर्स देख लें बैचलर ऑफ रेडियोग्राफी, ये इसमें भी 1 ईयर इंटर्नशिप है आफ्टर पासिंग फाइनल एग्जाम और ये भी 4 ईयर का कोर्स है, इसमें भी 10 सीट है
और अंडर कैटेगरीज देख ले तो UR3, URF1, EWS1, BC1, EBC में 1, EBCF में 2 एंड SC में 1। नेक्स्ट हम देख ले बैचलर डिग्री इन मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी BMRT, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये भी एक तरह का डिग्री कोर्स ही है, ये 3 ईयर का कोर्स होता है और इसमें सीट है ओनली 5। इसमें UR में 2, URF में 1, BC 1 एंड EBC में 1। नेक्स्ट हम कोर्स देख लें BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसमें भी 1 ईयर इंटर्नशिप होता है आफ्टर पासिंग फाइनल एग्जाम। ये भी 4 ईयर का कोर्स है, इसमें टोटल सीट्स है 20। अंडर कैटेगरी देख लें तो UR में 4, URF 3, EWS में 1, EWSF में 1, BC 1, BCF में 1, EBC में 2, EBCF में 1, SC 2, SCF में 2 एंड ST में 1 सीट्स हैं। नेक्स्ट हम देखें बैचलर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड साइंसेज BMRS, ये भी 3 साल का कोर्स होता है, इसमें ओनली 4 सीट है, UR में 2, EBCF में 1, SCF में 1। नेक्स्ट कोर्स हम देख लें BSc इंडोस्कोपी, ये भी 3 ईयर का कोर्स है फ्रेंड्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स ओनली 2 है, जिसमें URF में 1, BCF में 1। नेक्स्ट कोर्स हम देख लें BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इसमें भी 1 ईयर इंटर्नशिप है आफ्टर पासिंग फाइनल एग्जाम। ये भी 4 साल का कोर्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 4 है, UR 1, EWS में 1, EBC में 1, SC में 1। नेक्स्ट हम देख लें BSc यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, ये भी 3 साल का कोर्स है, इसमें टोटल सीट्स 2 है एंड UR में 1 एंड EBCF में 1। अब हम देख लेते हैं डिप्लोमा कोर्स, तो डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे IGMS में ओनली GNM होता है, ये इसमें ओनली फीमेल्स होती हैं, ANM यहाँ पे नहीं होता है फ्रेंड्स। ये भी 3 एंड हाफ ईयर्स का कोर्स होता है, इसमें भी टोटल सीट्स 50 है लेकिन इसमें ओनली फीमेल है एंड जिसमें कि UR 14 है, URF 6, EWS 3, EWSF 2, EBC में 5, EBCF में 4, BC में 4, BCF में 3, SC में 4, SCF में 4 एंड ST में 1। इसके अलावा जो अभी करेंट में एक जो नया कोर्स आया है फ्रेंड IGIMS में, तो वो है MSc नर्सिंग, जो कि अभी जस्ट आया है, उसके बारे में अभी आप देख सकते हैं, उसका एडमिशन प्रोसेस अभी ये फर्स्ट स्टार्टिंग ही है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही एंड यही मैं समझाना चाहती थी फ्रेंड्स कि इसके अलावा BSc नर्सिंग एंड JNM के अलावा भी बहुत से कोर्स हैं जो कि नीट स्कोर के थ्रू ही मिल रहे हैं और ये सारे कोर्स भी अच्छा कोर्स है, डिग्री कोर्स है, तो आप इसमें से भी कोई भी कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं एंड आई होप मैं आपको अच्छे से समझाई हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।